स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं अपने खेतों में, आप सबको हम दिखाएंगे खाद छींटेंगे। तो यहाँ पर दिखाएंगे आप सबको कैसे हम खाद छींटे हैं, वहाँ गेहूँ का खेत दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए हम ताल में आए हुए हैं, चारों तरफ से हरा भरा है नज़ारा, आप सबको हम दिखाते हैं। हमारी वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ये हमारा खेत है, इसमें जो है सरसों ज़्यादा नहीं है, हम लोग पूरे से बोए हुए हैं। और जो नीलगा होती है और जो ये सांड छूटे होते हैं, गाय छूटी होती हैं, बहुत सारा नुकसान कर दिए हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग गेहूँ को अच्छा डाले हैं, जहाँ जहाँ छोटे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ का सेरा सारा गेहूँ चट डाले थे, फिर से पंखा हुआ है। देख सकते हैं पूरा, देखिए गेहूँ चढ़ा हुआ था, फिर दोबारा से कनखा खोल के पड़ रहा है अभी। तो गेहूँ देखिए फूटने वाला हो रहा है अभी, देखिए सकते हैं ट्रेन में आ गया है, इसमें बाल निकलने वाली है। अब अभी खाद छिटा जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, देखिए खाद छिटेगा जाएगा, इसके बाद उसकी भराई होगी। इसमें कई सालों के दोस्त 3 सालों के बाद इसमें गेहूँ बोया गया है। अगले साल हम लोग धान की कटाई पानी में किए हुए थे, जो कि बहुत सारा पानी था, इसमें गेहूँ नहीं बोया हुआ था, इस साल गेहूँ बोया गया है। देख सकते हैं आप लोग, जहाँ देखिए बछवा नहीं चरे हुए हैं गेहूँ, वहाँ का गेहूँ देखिए कितना बड़ा हुआ है, और जहाँ चरे हुए हैं बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं आप सबको देखने में, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। यहाँ पे कोई अब हमेशा रहते नहीं है रखने के लिए, रखने वाला कोई नहीं रहता है यहाँ पे, अपने मन का यहीं पर नुकसान करते हैं, चरते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम खेतों में आए हुए हैं, ये देखिए ये बोरी खाद गिर गए है, बोरी को छोड़ रहे हैं। अभी देख सकते हैं कितना अच्छा इस समय का नज़ारा दिख रहा है आप सब। अब हम खाद की छिटाई करेंगे, यहाँ हमने डलिए में खाद को भर लिया है, लेके चल देंगे छिटने के लिए। देख सकते हैं मैं खाद को लेकर आ गए हूँ, तो यहाँ पर मेरे पतिदेव एक बाल्टी खाद वहाँ के किनारे से छिटते हुए यहाँ तक आए हैं। अब मैं उनको खाद दे देती हूँ तो, और मैं भी इनके साथ खाद की छिटाई करूँगी, हम दोनों साथ साथ छिटेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इस तरह देखिए थोड़ा सा हम ले लेती हूँ और थोड़ा सा वो लेकर छिटाई करेंगे। तो देखिए इसमें कूड़ बना हुआ है, तो एक साइड में मैं छीट रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग एक किनारे पर छीट रहे हैं। इस तरह से कूड़ में सरसों बोए हुए हैं, खाद छीटने में ही आसानी होती है, कि तरह जो है और छूटने का डर नहीं रहता है कहीं छूट जाए। तो इस तरह से देखिए एक कूड़ में वो छीट रहे हैं, एक कूड़ में मैं छीट रही हूँ, तो ऐसे ही खाद की छिटाई कर लेते हैं हम लोग। खाद की छिटाई हो चुकी है लगभग, देखिए एक बोरी हमने खाद लाया हुआ था, और हाँ देखिए इतना बचा हुआ है, लगभग 10 किलो बचा हुआ है ये खाद। तो ये देखिए नीम युक्त खाद है, ये हम लोग लाए हैं सोसाइटी से लिया हुआ है, सरकारी जो सोसाइटी होती है वहाँ पे मिलता है खाद, वहाँ से लाए हुए हैं। अभी देखिए खाद की छिटाई हो चुकी है, देखिए जो थोड़ा सा लेकर जहाँ जहाँ गेहूँ मूस लगे हुए हैं, और जो वहाँ जो है गाय बछवा चरे हुए हैं, वहाँ मैं वो दोहरा के छीट रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो हम दोनों ने मिलकर छिटाई की, इसलिए जल्दी से छिटा गया, नहीं तो उस समय लग जाता ज़्यादा। यहाँ देख सकते हैं शाम ही होने वाली है, लगभग 5 बजने वाले हैं, तो देख सकते हैं आप लोग सूर्य भगवान डूबने वाले हैं। हम लोग 4 बजे से आए थे यहाँ छीटने के लिए, और हवा भी तेज़ी से चल रही है, ठंडी भी लग रही है। अभी हम लोग देखिए छीटे हैं, दोहरा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर गेहूँ छोटा है वहाँ वहाँ पर इस तरह से दोहरा कर छिटाई कर देते हैं, तभी हम लोग चलेंगे घर पे। ये देखिए दोस्तों ये थोक बना हुआ है, देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, ये जानवरों को डराने के लिए इस तरह से बनाया हुआ है,
ताकि जानवर आए, हाँ यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है इसी तरह से लेना। देखिए बनाए, देखिए इसके इनके खेत में देखिए नहीं चरे हुए हैं, और हमारे खेत में देखिए इतने सारे चरे हुए हैं। इसका चूहा काट डाले हैं गेहूँ, देख लिए आप लोग पास से देख लीजिए। देखिए 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 बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिए हैं। इसी तरह से अभी गेहूँ की बाली जब फूट जाएगी तब भी ये लोग काट के सारा बाल गिरा देते हैं। इस तरह से देखिए आप लोग, देखिए गेहूँ दिख रहा है आप सबको, पूरा खंखट दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कितनी दूरी भरे में है, देखिए वहाँ भी नहीं। ये देखिए सब सुखा गया है, ये देख लीजिए आप लोग कितना गेहूँ खराब कर रहे हैं चूहे लोग। इन लोगों का क्या इलाज है कि चूहा ना लगे। ऐसे ही हर साल हर समय फसल नुकसान कर देते हैं बहुत सारे, देखिए क्या करें। आधा तो नुकसान कर देते हैं जानवर, आधा देखिए चूहे नुकसान कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।